कहते हैं जब रतन टाटा ने नैनो कार की शुरुआत की तो उस कार के लॉन्च को लेकर रतन टाटा खुद इतने उत्साहित थे कि पहली चाबी गाड़ी की उन्होंने खुद अपने हाथों से उस ग्राहक को सौंपी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस कार की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने तक की नौबत आ गई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाटा मोटर्स की बहुप्रचारित छोटी कार नैनो की यात्रा समाप्त होती नजर आ रही है। जून महीने में केवल एक ही नैनो कार बनी। हालांकि कंपनी का कहना है कि नैनो का उत्पादन रोकने के बारे में अभी कोई भी औपचारिक फैसला नहीं किया गया है। रतन टाटा का सपना कही जाने वाली इस कार की घरेलू बाजार में बीते महीने केवल 3 गाड़ियां बिकी हैं। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि जून महीने में उसने नैनो का कोई निर्यात नहीं किया। जून 2018 में केवल एक नैनो बनी, जबकि जून 2017 में यह संख्या 275 रही थी। क्या कंपनी नैनो का निर्माण रोकने जा रही है? यह पूछे जाने पर टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा, हम जानते हैं कि मौजूदा प्रारूप में नैनो 2019 के बाद जारी नहीं रह सकती, हमें नए निवेश की जरूरत हो सकती है, इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि नैनो का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसा भी देखने में आया है कि टाटा नैनो के कंपैरिजन में जो मार्केट में उपलब्ध कारें हैं बाकी कंपनियों की, उनकी सेल ज़्यादा है और लोगों को 1,00,000 के इमेज वाली कार नहीं चाहिए, जबकि उसकी ऑन प्राइस ऑन रोड वैल्यू पड़ जाती है 2 से 2.5 लाख। इसी के चलते टाटा नैनो की खपत धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1,00,000 की गाड़ी की इमेज जो नैनो ने बनाई थी वो तो धराशायी हो गई और शायद जल्द ही आने वाले समय में आपको नैनो मार्केट में देखने को ना भी मिले। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट टाटा नैनो पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं प्रभा साक्षी से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।